नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। आज मैं आपको परफ्यूम के बारे में बताऊंगा और परफ्यूम इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसान होता है इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल की नई युवा पीढ़ी खास तौर पर कहीं जाने से पहले परफ्यूम या डिपो या इत्र का इस्तेमाल जरूर करती है। इसके इस्तेमाल से हम लंबे समय तक खुशबूदार महकते रहते हैं और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं। ज़्यादातर लोग गर्मियों में होने वाले पसीने और शरीर से आने वाले बदबू से बचने के लिए अलग अलग कंपनियों का परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, परफ्यूम का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि परफ्यूम को बनाने में और इसकी खुशबू को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए कंपनियां कई ऐसे रसायनों को प्रयोग में लाती है जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि परफ्यूम के इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, पहला नुकसान है, परफ्यूम का रोज इस्तेमाल करने से त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है, क्योंकि परफ्यूम में मौजूद हानिकारक केमिकल त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है जिससे एलर्जी एक्जिमा तक हो सकता है। तो दोस्तों, परफ्यूम का इस्तेमाल रोज ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा नुकसान है, परफ्यूम का इस्तेमाल करने से आँखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्या पनप सकती है। जिन लोगों को साइनेस या अस्थमा की परेशानी है उनकी यह समस्या और बढ़ सकती है। तीसरा नुकसान है, परफ्यूम के ज़्यादा इस्तेमाल से नींद न आना, घबराहट होना और बेचैनी होने लगता है। जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या रहती है उन्हें परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौथा नुकसान है, हम परफ्यूम को तो शरीर पर छिड़क लेते हैं लेकिन उसमें पाए जाने वाले हानिकारक केमिकल्स हमारे हार्मोन्स में गड़बड़ी कर सकते हैं। पांचवा नुकसान है, प्रेगनेंसी के दौरान परफ्यूम का इस्तेमाल करना काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसमें गर्भवती महिला के बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है कि इसमें पाए जाने वाला DEP नए जन्मे बच्चे के विकास को रोक सकता है जिससे बच्चे अपाहिज हो सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल जितना कम किया जाए उतना ही अच्छा है। दोस्तों, ऐसे हेल्थ से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें।